नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नव भारतीय स्टडी सर्किल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज पिछले वीडियोस की सफलता के बाद उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। पिछले वीडियोस में हमने पशुधन संपदा, जो कि एक ऐसा टॉपिक है सभी एग्जाम्स के सिलेबस में लगभग देखने को मिलता है, चाहे आपके कांस्टेबल का हो या रीट का हो या सेकंड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का हो या पटवार का हो, जिस भी एग्जाम के सिलेबस को उठा के देखेंगे वहां पर आपको पशुधन संपदा देखने को मिल जाएगा। तो उससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक हमने पढ़ा, राजस्थान में पशु संपदा, उसको ट्रिक के साथ भी जाना और उसके तथ्य को भी जाना। कुछ ऐसे बिंदु जो उसमें शामिल नहीं हो सके उनको मैंने प्रश्नों के माध्यम से देने की कोशिश की है, और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो कि मैंने जो आपको वीडियोस पहले दिखाए या जो जिनके अंदर आपको पढ़ाया है उसका रिवीजन के रूप में भी है। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से कि हम इन प्रश्नों को कितना सॉल्व कर पाते हैं। अगर आपने उन वीडियोस को ढंग से देखा होगा तो बिल्कुल आपको इन प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं प्रश्न संख्या एक की ओर। प्रश्न संख्या एक जो है वो है, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। बच्चों, गलतियां कहां पे होती है, पहली बात किस पशु के बारे में पूछा जा रहा है। तो जिस पशुधन के बारे में पूछा जा रहा है उसको आप अंडरलाइन करें या उसको हाईलाइट करें और फिर ये देखें कि ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। क्वेश्चन में गलती यही होने के चांस होते हैं कि हम ये नहीं नहीं जो दे रखा है इस नहीं को है पढ़ लेते हैं। तो नहीं को है पढ़ने की गलतियां बहुत बार होती है और कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि क्वेश्चन आते हुए भी हमसे गलत हो जाता है इस नहीं के कारण। तो यहाँ पर कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है, आपने ट्रिक के द्वारा इसको पढ़ा होगा। तो हम देखते हैं कि नाली भी है, मालपुरी भी है, सोनारी भी है, ठीक है, लेकिन कौन सी नहीं है, मालवी। तो मालवी जो नस्ल है ये भेड़ की नहीं है। अच्छा, दूसरी ओर चलते हैं, चोकला, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चोकला, मगरा, सोनाड़ी, नाली किस पशु की नस्ल है। ठीक है, चोकला, मगरा, सोनाड़ी, नाली किस पशु की नस्ल है। यहां पूछ रहा है किस पशु की, तो एक पशु के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और यहां पर है दे रखा है, नहीं नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं की जगह क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, सॉरी, भेड़, गाय, बकरी और ऊंट। तो देखो यहाँ पर ऊंट जो की बात करते हैं, ऊंट की तो बिल्कुल भी नहीं लगती हमें। बकरी की बात करें तो बकरी की भी नहीं है, गाय की बात करें तो गाय की भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में बचा क्या हमारे पास, भेड़। तो चोकला, मगरा, सोनाड़ी, नाली किस पशु की नस्ल है। तो आपको बता दूं कि ये जो नस्ल है वो भेड़ की है। ठीक है, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र, क्वेश्चन जहां से घूमता है वो है मालानी क्षेत्र। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति का क्षेत्र है। गाय के बारे में पूछ रहा है, गोवंश के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गाय की नस्ल के बारे में पूछ रहे हैं। तो मालवी, तो मालवी की बात करें तो ये तो गाय की नस्ल है ही नहीं। ठीक है, ये तो भेड़ की है, हमने ऊपर देख चुके। ठीक है, मेवाती और काकरेज और थारपाकर हमारे पास तीन चीज बस्ती है, इसका जो राइट आंसर है वो है थारपाकर। ठीक है, तो थारपाकर जो है ये बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है, वहां से जुड़ा हुआ है। थारपाकर की जो उत्पत्ति का जो क्षेत्र है वो क्या है, मालानी क्षेत्र। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में पशुधन के लिए निशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई। तो निशुल्क दवा योजना को इसमें अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं। तो निशुल्क दवा योजना एक तथ्यात्मक, एक आंकड़े से संबंधित चीज है, तो आंकड़े के रूप में हम बात करें तो ये है 2012। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी और वो शुरू की गई थी 2012। बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहां पर है। तो डेयरी की बात करें, मैंने आपको बताया भी था डेयरी के बारे में पिछले वीडियोस में, आपको मैंने उरमूल और गंगमूल, ठीक है, इनके बारे में बताया था कि
कि उर्मूल कहाँ पर है, गंगमूल कहाँ पर है, सरस कहाँ पर है, ठीक है। और ये जो पद्मा डेयरी की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये पद्मा डेयरी आपके भरतपुर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, ठीक है, ये अलवर में भी नहीं है, और ये जो पद्मा डेयरी है ये है आपके अजमेर में। तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। तो हमने 5 क्वेश्चंस को पढ़ा, भेड़ की नस्ल नहीं है तो मालवी, चोकला मगरा सोनाली नाली किस पशु की नस्ल है तो वो है भेड़, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस गोवंश की उत्पत्ति क्षेत्र है तो वो है थार पारकर, राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई तो वो है 2012, और राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कहाँ पर है तो वो है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा वो है अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र से संबंधित है। तो यहां पर हमें 2 चीज देखनी है कि एक तो हमारे सामने है डेयरी विकास कार्यक्रम, ठीक है, और दूसरी बात है डेयरी विकास कार्यक्रम के अधीन पशु आहार संयंत्र, पशु आहार संयंत्र से संबंधित स्थान पूछ रहा है कि डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो पशु आहार संयंत्र स्थापित किया गया था उसका संबंध कहां से है। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर कि उससे संबंध देखते हैं। सबसे पहले तिजारा, तो तिजारा अलवर में पड़ता है और यहाँ पर इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, तो यह है नौखा, और नौखा पड़ता है बिहार बीकानेर में, तो नौखा बीकानेर में भी कोई ऐसा संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं तबीजी अजमेर, तो तबीजी जहां पर मसाला केंद्र भी कहा जाता है तबीजी को, और ये अजमेर में है, तो आपको बता दूं कि यहीं पर ही पशु आहार संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका तबीजी अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, ठीक है। अब यहां पर ऑपरेशन फ्लड जो है एक, इस ऑपरेशन फ्लड जो है इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसका संबंध किससे है। तो यहाँ पर 4 क्रांतियों के नाम दे रखे हैं। सबसे पहला है नीली क्रांति, उसके बाद पीली क्रांति, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है, मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो था दूध से था। बोलो किससे था, दूध से। दूध उत्पादन को बढ़ाने का था, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति संबंधित है तो वो है हमारी श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति। और आपको बता दूं कि श्वेत क्रांति की जो जनक है वो है वर्गीज कुरियन। मैंने पिछले वीडियोस के अंदर भी इस बात को नोटिफाई करवाया था, बताया था कि श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, और उन्हीं का संबंध है ऑपरेशन फ्लड से। अच्छा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान डेयरी उद्योग में भारत का विश्व में प्रथम स्थान हो गया था, ठीक है। तो हम बात देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक लेवल का क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा इसमें घुमाया गया भी है कि एक साथ 2 जगह से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। एक तरफ यहाँ पर डेयरी और पशुपालन को भी इसमें शामिल किया गया, और दूसरा यहाँ पर शामिल किया गया पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना का अगर टॉपिक होता है तो वहां पर भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं, और पशुपालन के अंदर भी इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजना को अंडरलाइन करना है, ठीक है, और डेयरी उद्योग को अंडरलाइन करना है, और भारत का विश्व में प्रथम स्थान। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बात की थी कि श्वेत क्रांति, ठीक है, और श्वेत क्रांति का संबंध या ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से था, और दूध की बात करते हैं तो यहां पर जो डेयरी उद्योग है इसका संबंध भी किससे है, दूध से, ठीक है। आप श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की जो हमने बात की, इन दोनों का स्थान, दोनों का संबंध श्वेत क्रांति से है, डेयरी उद्योग का भी संबंध श्वेत क्रांति से है। तो अब इसका जो पंचवर्षीय योजना जो है हम उनको देखते हैं। पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाई जाएगी तो उसमें पे इनके बारे में विश्लेषण करेंगे हम कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या उद्देश्य रखा गया था, ठीक है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, क्वेश्चन बिल्कुल सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर हम अंडरलाइन करेंगे ऊन के ऊपर,
ओन से संबंधित क्वेश्चन है और आपको मैंने ओन से जुड़ा हुआ मैटर बताया था, वो बताया था अभिका नगर में, अभिका नगर मालपुरा टॉप, ठीक है। मैंने सीधा क्वेश्चन आपको आपस में लिखा बताया था कि अभिका नगर का संबंध किससे है, अभिका नगर का संबंध किससे है, तो ऊन विकास बोर्ड से है, ऊन से है, ठीक है। तो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहां पर है, अभिका नगर में है। फिर है मुर्गियों में होने वाला रोग है, मेरास्मस, मेरेक्स, रानीखेत और मेलीफेरा। आपको बता दूं कि यहाँ पर मुर्गियों में जो होने वाले जो रोग है वो है रानीखेत। इसका राइट आंसर क्या होगा, रानीखेत। तो अभी हमने जाना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास 5 क्वेश्चन अभी और भी है, टोटल 15 क्वेश्चन आपके लिए पशुधन संपदा से तैयार किए गए। पूरे भरसक प्रयास से ये ध्यान रखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट हो जो अक्सर एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आने की संभावना रखते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन हमने पढ़े, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड, पंचवर्षीय योजना और भारत का उसमें प्रथम स्थान, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड और मुर्गियों में होने वाला रोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई झकराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें किसकी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नस्लें जो दी गई है, ये नस्लें किस पशु की है। तो ये नस्लें हैं गाय की नहीं, ऊंट की नहीं, भेड़ों की नहीं, ये नस्लें हैं बकरी की, मारवाड़ी, सिरोही, झकराना। आगे बात करते हैं, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सर्वाधिक कहाँ लगते हैं। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय जो पशु मेले सर्वाधिक लगते हैं तो वो क्या झालावाड़ में लगते हैं, तो झालावाड़ में नहीं, बाड़मेर बिल्कुल नहीं, हनुमानगढ़ बिल्कुल नहीं। क्योंकि मामला किस चीज का है, यहाँ पर मामला है सर्वाधिक क्वांटिटी पूछी गई है कि सबसे ज्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं। तो सर्वाधिक पशु मेले जो लगते हैं वो लगते हैं नागौर में। वैसे भी आपको बता दूं कि यहाँ पर विश्व स्तरीय सबसे बड़ी जो गौशाला है वो नागौर में है। आगे बात करते हैं एपिकल्चर। अगले वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपको इनसे जुड़े क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। कई प्रकार की कल्चर है और इन कल्चर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में सीधे तौर पर डायरेक्ट देखने को मिलता है, एपिकल्चर, सेरिकल्चर। तो ये सेरिकल्चर क्या है, एपिकल्चर क्या है, मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एपिकल्चर है, एपिकल्चर का संबंध किससे है। तो एपिकल्चर का संबंध किससे है, तो बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन। तो क्या है, बकरी पालन को एपिकल्चर कहते हैं, नहीं, बकरी पालन को एपिकल्चर नहीं कहते। मुर्गी पालन को, तो मुर्गी पालन को कुक्कुट पालन कहते हैं। मछली पालन को भी एपिकल्चर नहीं कहते। तो लास्ट में बचा क्या, मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन जो है उसको एपिकल्चर कहते हैं। मैं मधुमक्खी के बारे में आपको बता दूं कि मधुमक्खियां जो है उसमें रानी मधुमक्खी जो होती है, ठीक है, वो अंडे देने का काम करती है। दूसरी मधुमक्खी होती है वो होती श्रमिक मधुमक्खी जो छाते का निर्माण करती है, और तीसरी जो मधुमक्खी होती है वो होती सैनिक मधुमक्खी। वो सैनिक मधुमक्खी होती है वो छाते की और रानी की जो है रक्षा करती है, अंडों की रक्षा करती है। तो मधुमक्खियों के कितने प्रकार, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और सैनिक मधुमक्खी। तीन तरह की मधुमक्खियां मैंने आपको बताई, सैनिक मधुमक्खी रक्षा करती है अपने छाते की, अपने अंडों की, अपनी रानी की। सैनिक मधुमक्खी जो है, रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ठीक है, और श्रमिक मधुमक्खी वो छाते का निर्माण करती है और शहद ला करके छाते में भरती है। अच्छा आगे चलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। देखो ऑपरेशन फ्लड से मैंने ये तीसरा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, और ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में बात की थी कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर वी के राव, वर्गीज कुरियन या ऑल ऑफ देम। जब नए जो कांस्टेबल में बैठने वाले जो बच्चे हैं वो जो ही ऑल ऑफ देम को देखते हैं और फटाफट इस पर टिक लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बच्चे रीट का एग्जाम दे रहे हैं, पटवार का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हैं, उन्हें तो पता है कि ऑल ऑफ देम नहीं आने वाला। ऑल ऑफ देम कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जो नए कांस्टेबल में या फिर जो छोटे लेवल जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर जो बच्चे बैठते हैं उन्हें लगता है कि ऑल ऑफ देम, आपसे पहले जो स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल जो पेपर देते थे उसमें ऑल ऑफ देम का मतलब था सभी सही है, और अधिकतर का तुक्का भी सही निकलता था। लेकिन यहाँ पर ऑल ऑफ देम नहीं, यहाँ पर जो राइट आंसर जो है वह वर्गीज कुरियन। आगे राजस्थान में पिछली पशुधन गणना कब हुई, तो आपको बता दूं
कि ये एक आंकड़े से जुड़ा हुआ मामला है, तथ्यात्मक मामला है, तो ये 2001, 2003, 2005, 2012, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 2012 में पिछली पशुधन गणना हुई। तो बच्चों ये थे आपके लिए पशुधन संपदा से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन। जहां तक मेरा विचार है ये 15 क्वेश्चन पशुधन संपदा से बारीकी से लिए गए हैं और वो क्वेश्चन हैं जिन्हें अगर आपने एक बार हल्के से देखा तो भी आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। ठीक है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे यही एडवाइस दूंगा या ऐसे कहे कि आपको यही सलाह दूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को इसको शेयर करें ताकि आपको तो इसका लाभ मिले, आपके साथ साथ उन लोगों का भी भला हो जो आपके मित्र हैं, जो आपके मिलने वाले हैं, जो आपके साथी हैं। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो बच्चों इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय भारत।